हेलो माय डियर चिल्ड्रेन, वेलकम बैक टू हिंदी ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आप हिंदी में सीख रहे हैं बड़ी ई की मात्रा। तो आज आपका टॉपिक है ई की मात्रा का प्रयोग करके शब्द बनाओ। हम कुछ शब्द लिखेंगे, आपको उन शब्दों में ई की मात्रा, उन शब्दों में ई की मात्रा का प्रयोग करके नए शब्द बनाने हैं। तो आज आपका टॉपिक क्या है? ई की मात्रा का प्रयोग करके शब्द बनाओ। तो चलिए कुछ शब्द लिखते हैं। हाथ। अगला शब्द, माल। अगला शब्द, लाल। और अगला शब्द, खान। अगला शब्द लिखते हैं, भा र त। आपको यहाँ पे ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करके नए शब्द बनाने हैं। अगला शब्द हम लिखते हैं, नौ। क ल, नकल। अगला शब्द, ल क ड। अगला शब्द लेते हैं, म छ ल। और अगला शब्द हम लिखते हैं, ना न। अगला शब्द, पा न। ओके बच्चों, आपको क्या करना है? ई की मात्रा का प्रयोग करना है। ई की मात्रा का प्रयोग करके शब्द बनाना है। तो पहला यहाँ शब्द लिखा हुआ है हाथ, और हम कहाँ पे ही ई की मात्रा लगाएं कि एक नया शब्द बनेगा, बताइए। हा थी, हाथी। तो नया शब्द बनेगा हाथी। हाँ, और किस पे लगाएंगे हम बड़ी की मात्रा, कौन से वर्ण पे? थ वर्ण पे, हाथी। और यह शब्द बना हाथी। अगला देखिए, माल। माल। अब हमको ई की मात्रा का प्रयोग करके शब्द बनाना है, तो हम लिखेंगे, माल है यहाँ, माली। क्या लिखेंगे? माली, माली। माँ ली, माली। तो शब्द बना माली, ई की मात्रा का शब्द बना माली। अगला देखिए, यहाँ है लाल, और हम ल वर्ड पे लगाएंगे बड़ी ई की मात्रा, तो शब्द बनेगा लाली। नया शब्द क्या बनेगा? लाली। बड़ी ई की मात्रा का शब्द बनेगा ला ली, लाली। ओके, अब देखिए, यहाँ है खाल, और हम नया शब्द बनाएंगे खाली। क्या लिखना होगा उसके लिए? ख, ख पे आ की मात्रा, ल, ल पे बड़ी की मात्रा, और शब्द बना खाली। बड़ी की मात्रा का शब्द बना खाली। अब देखिए, यहाँ है भारत, भारत, और
हमको बड़ी की मात्रा का शब्द बनाना है तो हम लिखेंगे भारती, 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 भारती। क्या लिखेंगे हम? भारती। हाथी, माली, लालिक, भारती। हाथ शब्द को हमने लिया और इस पे थ पे लगाई बड़ी की मात्रा तो शब्द बना हाथी। माल को लिया, लवण पे लगाई बड़ी की मात्रा, शब्द बना माली। लाल, लवण पे लगाई बड़ी की मात्रा, शब्द बना लाली। खाल, लवण पे लगाई हमने बड़ी की मात्रा तो शब्द बना खाली। भारत, भारती। अब अगला यहाँ देखिए, नकल। बड़ी की मात्रा का शब्द बनाना है तो हम लिखेंगे नकली। न क ली, नकली। हाँ, क्या लिखेंगे हम? नकली। अब देखिए यहाँ है ल क ड तो शब्द बनेगा लकड़ी। ल क ड़ी, लकड़ी। अगला है मछली, सॉरी मछल, और शब्द बनेगा अगर हम बड़ी की मात्रा लवण पे लगाएंगे तो शब्द बनेगा मछली। म छ ली, मछली। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, नाल। हम कहाँ लगाएंगे बड़ी की मात्रा? नान, बड़ी की मात्रा हम लगाएंगे न वर्ण पे तो शब्द बनेगा नानी। ना नी, नानी। अब देखिए पान, न वर्ण पे लगाएंगे हम बड़ी की मात्रा तो शब्द बनेगा पानी। पा नी, पानी। तो बन गए ना आपके बड़ी की मात्रा वाले शब्द। हाथ में आपने बड़ी की मात्रा प्रयोग की थवण पे हाथी। माल में आपने बड़ी की मात्रा लवण पे प्रयोग की लगाई तो शब्द बना माली। लाल में लवण पे लगाई बड़ी की मात्रा तो शब्द बना लाली। खाल में लवण पे लगाई बड़ी की मात्रा तो शब्द बना खाली। भारत, भारत में तवण पे लगाई बड़ी की मात्रा तो शब्द बना भारती। अब यहाँ देखिए नकल, नकल में हमने लवण पे लगाई बड़ी की मात्रा तो शब्द बना नकली। लकड़, लवण पे, सॉरी रवण पे हमने लगाई बड़ी की मात्रा तो शब्द बना लकड़ी। मच्छर, लवण पे हमने लगाई बड़ी की मात्रा तो शब्द बना मछली। नान, नवण पे लगाई हमने बड़ी की मात्रा तो शब्द बना नानी। पान, नवण पे लगाई हमने बड़ी की मात्रा तो शब्द बना पानी। हाथी, माली, लाली, खाली, भारती। नकली, लकड़ी, मछली, नानी, पानी। नकली, लकड़ी, मछली, नानी, पानी। ओके बच्चों, तो ये है आपकी पहली एक्सरसाइज आज की। आज आप दो एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी दूसरी एक्सरसाइज है दिए गए अक्षरों से बनने वाला एक एक शब्द लिखिए। हम कुछ अक्षर लिखेंगे उनसे आपको एक एक शब्द बनाना होगा जो बड़ी की मात्रा के शब्द हों। तो बच्चों आपकी दूसरी एक्सरसाइज है, बच्चों आपकी अगली एक्सरसाइज है, दूसरी एक्सरसाइज है दिए गए अक्षरों से बनने वाला एक एक शब्द बनाओ। तो चलिए लिखते हैं। पहला खी, दूसरा बी, तीसरा दी, अगला ची, अगला शी, अगला
नी ती। तो बच्चों इन सब अक्षरों से आपको क्या करना है, एक एक शब्द बनाना है। जैसे पहला अक्षर आपको दिया गया है खी, ख पे कौन सी मात्रा लगी है बच्चों, बड़ी की, कौन सी मात्रा, ई की। तो इस खी अक्षर से आपको क्या करना है, एक शब्द बनाना है। तो क्या बनाएंगे आप, खीर, हम लिखेंगे खीर। चलिए लिखते हैं, ख, ख पे लगी है बड़ी की मात्रा और र, देखिए ख, ख अक्षर से बना ना खीर। अब देखिए खी से बनाया आपने खीर। दूसरा अक्षर है ब, ब पे लगी है बड़ी की मात्रा बी, बी। तो आप ब से बनाएंगे कौन सा शब्द बनाएंगे बताइए, बीस। क्या बना, बीस। खी से आपने बनाया खीर, बी से हमने बनाया बीस। अब द से, द पे लगी है बड़ी की मात्रा और कौन सा शब्द बनाएंगे, हम बनाएंगे शब्द दीदी और लिखेंगे क्या, दीदी। तो चलिए लिखते हैं दीदी, द, द पे बड़ी की मात्रा, द पे बड़ी की मात्रा, दोनों में ही बड़ी की मात्रा का प्रयोग हुआ है और यह शब्द है दीदी जो हमने द, दी अक्षर से बनाया। ओके, अगला देखिए क्या है, ची, ची से हमको एक शब्द बनाना है। तो ची से चीता, क्या लिखेंगे हम, चीता, ची से चीता। अब अगला देखिए शी, सी से शीशी, क्या शब्द बना, शीशी, हम लिखेंगे शीशी, क्या लिखा हमने, शीशी। ओके, अब अगला है नी, नीम, क्या शब्द बनेगा, नीम, और हम लिखेंगे नीम। न, न पे बड़ी की मात्रा म, नीम। ओके, अब ती से हम कौन सा शब्द बनाएंगे बताइए, ती से आप शब्द बनाइए तीर, क्या, तीर, तीर। बन गए शब्द, इन अक्षरों से हमने क्या किया, नए नए शब्द बना लिए ना, खी से खीर, बी से बीस, दी से दीदी, ची से चिता और शी से हमने बनाया शीशी, नी से बनाया नीम, नीम का पेड़ होता है ना, सबके घर पे होता है नीम ना, नीम, और ती से ती। ओके बच्चों, आपने इन अक्षरों से क्या किया, शब्द बनाया ना और उन शब्दों को लिखा भी ना आपने। तो इसी प्रकार आप एक गेम भी खेल सकते हैं, खेल खेल में कोई एक अक्षर लीजिए और अपने साथी से कहिए कि चलो शब्द बनाना सीखते हैं, मी से कोई शब्द बनाइए, मील। इसी प्रकार से आप अपने साथी के साथ, सहपाठी के साथ अपने घर में अक्षरों का खेल खेल सकते हैं कि चलो शब्द बनाना सीखते हैं, जो जितने शब्द बनाएगा उसके उतने पॉइंट होंगे, है ना, गेम भी हो जाएगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा, सारी मात्राओं को आपका ज्ञान भी हो जाएगा। अब तक आपने आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा तो आप सीख ही रहे हैं, आगे भी मात्राएं, अब इसके बाद कौन सी मात्रा आएगी, छोटे ऊ की मात्रा, लेकिन जब हम अच्छे से बड़ी की मात्रा सीख लेंगे, है ना बच्चों। तो आज आपकी दो एक्सरसाइज थी, ई की मात्रा का प्रयोग करके शब्द बनाओ और दूसरी एक्सरसाइज है दिए गए अक्षरों से बनने वाले एक एक शब्द लिखो। ओके, तो यह दोनों आज आपकी हिंदी का कार्य है ना, होमवर्क है आपका।
आपको अपनी हिंदी की कॉपी में साफ और सुंदर अक्षरों में लिखना है, है ना बच्चों? ओके, तो आप लिखिए, हम चलते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।